साईनाथाय नमः। आइए बाबा की असीम कृपा से अध्याय 26 आरंभ करते हैं। भक्त पंत, हरिश्चंद्र पितले और गोपाल आंबेडकर की कथाएं। इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन और जड़ आदि जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब एक ब्रह्म है, और इसी एक अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को हम भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं तथा भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हैं। जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी या हार को हम भ्रमवश सर्प समझ लेते हैं, उसी प्रकार समस्त पदार्थों के केवल बाह्य स्वरूप को ही देखते हैं, ना कि उनके सत्य स्वरूप को। एकमात्र सद्गुरु ही हमारी दृष्टि से माया का आवरण दूर कर हमें वस्तुओं के सत्य स्वरूप का यथार्थ में दर्शन करा देने में समर्थ है। इसीलिए आओ अब हम श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की उपासना करें, उनसे सत्य का दर्शन कराने की प्रार्थना करें, जो कि ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आंतरिक पूजन। श्री हेमांड पंत उपासना की एक सर्वथा नवीन पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि सद्गुरु के पाद प्रक्षालन के निमित्त आनंद अश्रु के उष्ण जल का प्रयोग करो। उन्हें सत्य प्रेम रूपी चंदन का लेप कर दृढ़ विश्वास रूपी वस्त्र पहनाओ और कोमल तथा एकाग्रचित रूपी फल उन्हें अर्पित करो। भाव रूपी बुक्का उनके श्री मस्तक पर लगा, भक्ति की कचनी बांध अपना मस्तक उनके चरणों पर रखो। इस प्रकार श्री साईं को समस्त आभूषणों से विभूषित कर उन पर अपना सर्वस्व निछावर कर दो। उष्णता दूर करने के लिए भाव की सदा चमर डुलाओ। इस प्रकार आनंददायक पूजन कर उनसे प्रार्थना करो। हे प्रभु साईं, हमारी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बना दो, सत्य और असत्य का विवेक दो तथा सांसारिक पदार्थों से आसक्ति दूर कर हमें आत्मभूति प्रदान करो। हम अपनी काया और प्राण आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे प्रभु साईं, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो, ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव ही ना हो। हे साईं, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छा अनुकूल चलने दो, तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अब हम इस अध्याय की कथाओं की ओर आते हैं। भक्त पंत। एक समय एक भक्त जिनका नाम पंत था और जो एक अन्य सदगुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिरडी आने की इच्छा तो ना थी, परंतु मेरे मन कछु और है, विधाता के कछु और वाली कहावत चरितार्थ हुई। वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र व संबंधियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को ही जा रहे थे। उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ साथ चलने का प्रस्ताव किया। पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके। तब वे सब लोग बंबई में उतरे और पंत विरार में उत्तर अपने सदगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबंध कर सब लोगों के साथ रवाना हो गए। वे प्रातःकाल वहां पहुंच गए और लगभग 11 बजे मस्जिद को गए। वहां पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित समुदाय देख सबको अति प्रसन्नता हुई, परंतु पंत को अचानक ही मूर्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे। बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गए और ऐसे उठ बैठे जैसे कि कोई नींद से जागा हो। त्रिकालज्ञ बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ, परंतु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर रहो, उनसे अभिन्नता प्राप्त करो। पंत,
तुरंत इन शब्दों का आशय समझ गए और उन्हें उसी समय अपने सद्गुरु की स्मृति हो आई। उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही। श्री हरिश्चंद्र पितले। बंबई के एक श्री हरिश्चंद्र पितले नामक सदगृहस्थ थे। उनका पुत्र मिर्गी रोग से पीड़ित था। उन्होंने अनेक प्रकार की देसी व विदेशी चिकित्साएं कराई, परंतु उनसे कोई लाभ न हुआ। अब केवल यही उपाय शेष रह गया था कि किसी संत के चरण कमलों की शरण ली जाए। 15वें अध्याय में बतलाया जा चुका है कि श्री दास गणों के समुद्र कीर्तन से श्री साईं बाबा की कीर्ति बंबई में अधिक फैल चुकी थी। पितले ने भी सन 1910 में उनका कीर्तन सुना और उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री साईं बाबा के केवल कर स्पर्श तथा दृष्टि मात्र से ही असाध्य रोग समूल नष्ट हो जाते हैं। तब उनके मन में श्री साईं बाबा के शुभ दर्शन की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यात्रा का प्रबंध कर भेंट देने हेतु फलों की टोकरी लेकर पत्नी और बच्चों सहित वे शिरडी पधारे। मस्जिद पहुंचकर उन्होंने चरण वंदना की तथा अपने रोगी पुत्र को उनके श्री चरणों में डाल दिया। बाबा की दृष्टि उस पर पड़ते ही उसमें एक विचित्र परिवर्तन हो गया। बच्चे ने आंखें फेर दी और बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगी तथा शरीर पसीने से भीग गया और ऐसी आशंका होने लगी कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत निराश होकर घबराने लगे। बच्चे को बहुधा थोड़ी मूर्छा तो अवश्य आ जाया करती थी, परंतु यह मूर्छा दीर्घकाल तक रही। माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह दुख ग्रसित हो आंतरनाद करने लगी कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जैसे कि एक व्यक्ति चोरों के डर से भागकर किसी घर में प्रविष्ट हो जाए और वह घर ही उसके ऊपर गिर पड़े। तब बाबा ने सांत्वना देते हुए कहा कि इस प्रकार प्रलाप ना कर धैर्य धारण करो। बच्चे को अपने निवास स्थान पर ले जाओ, वह आधे घंटे के पश्चात होश में आ जाएगा। तब उन्होंने बाबा के आदेश का तुरंत पालन किया। बाबा के वचन सत्य निकले। जैसे ही उसे वाड़े में लाए कि बच्चा स्वस्थ हो और पितले परिवार पति पत्नी व अन्य सब लोगों को महान हर्ष हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। श्री पितले अपनी धर्म पत्नी सहित बाबा के दर्शनों को आए और अति विनम्र होकर आदर पूर्वक चरण वंदना कर पाद सेवन करने लगे। मन ही मन वे बाबा को धन्यवाद दे रहे थे। तब बाबा ने मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम्हारे समस्त विचार और शंकाएं मिट गईं? जिन्हें विश्वास और धैर्य है उनकी रक्षा श्री हरि अवश्य करेंगे। श्री पितले एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने अधिक मात्रा में मिठाई बांटी और उत्तम फल तथा पान बीड़े बाबा को भेंट किए। श्रीमती पितले सात्विक वृत्ति की महिला थी। वे एक स्थान पर बैठकर बाबा की ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि से निहारा करती थी। उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू गिरते थे। उनका मृदु और सरल स्वभाव देखकर बाबा अति प्रसन्न हुए। ईश्वर के समान ही संत ही भक्तों के अधीन हैं। जो उनकी शरण में जाकर उनका अनन्य भाव से पूजन करते हैं उनकी रक्षा संत करते हैं। शिरडी में कुछ दिन सुखपूर्वक व्यतीत कर पितले परिवार ने बाबा के समीप मस्जिद में जाकर चरण वंदना कर शिरडी से प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उन्हें उदी देकर आशीर्वाद दिया। पितले को पास बुलाकर वे कहने लगे, बापू पहले मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए थे और अब मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ। इन्हें अपने पूजा गृह में रखकर नित्य इनका पूजन करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्री पितले ने उन्हें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर बाबा को पुनः साष्टांग प्रणाम किया तथा आशीष के लिए प्रार्थना की। उन्हें ये विचार भी आया कि प्रथम अवसर होने के कारण मैं इसका अर्थ समझने में असमर्थ हूँ कि 2 रुपए बाबा ने पहले कब दिए थे। वे इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहते थे, परंतु बाबा मौन ही रहे। बंबई पहुंचने पर उन्होंने अपनी वृद्ध माता को शिरडी की विस्तृत वार्ता सुनाई और उन 2 रुपयों की समस्या भी उनसे कही। उनकी माता को भी पहले पहल तो कुछ समझ में ना आया, परंतु पूरी तरह विचार करने पर उन्हें एक पुरानी घटना की स्मृति हो आई जिसने यह समस्या हल कर दी। उनकी वृद्ध माता कहने लगी कि जिस प्रकार तुम अपने पुत्र को लेकर श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ गए थे, ठीक उसी प्रकार तुम्हें लेकर तुम्हारे पिता अनेक वर्षों पहले अक्कलकोट महाराज के दर्शनार्थ गए थे। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी, त्रिकालज्ञ और बड़े उदार थे। तुम्हारे पिता परम भक्त थे, इसी कारण
उनकी पूजा स्वीकार हुई। तब महाराज ने उन्हें पूजनार्थ 2 रुपए दिए थे, जिनकी उन्होंने जीवन पर्यंत पूजा की। उनके पश्चात उनकी पूजा यथाविधि ना हो सकी और वे रुपए खो गए। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पूर्ण विस्मृति भी हो गई। तुम्हारा सौभाग्य है जो कि श्री अक्कलकोट महाराज ने साईं रूप में तुम्हें अपने कर्तव्यों और पूजन की स्मृति कराकर आपत्तियों से मुक्त कर दिया है। अब भविष्य में जागरूक रहकर समस्त शंकाएं और सोच विचार छोड़कर अपने पूर्वजों को स्मरण कर रिवाजों का अनुसरण कर उत्तम प्रकार का आचरण अपनाओ। अपने कुलदेव तथा इन रुपयों की पूजा कर उनके यथार्थ स्वरूप को समझो और संतों का आशीर्वाद ग्रहण करने में गर्व मानो। श्री साईं समर्थ ने दया कर तुम्हें तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीजारोपण कर दिया है और अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसकी वृद्धि करो। माता के मधुर वचनामृत का पान कर श्री पितले को अत्यंत हर्ष हुआ। उन्हें बाबा की सर्वकालज्ञता विदित हो गई और उनके श्री दर्शन का भी महत्व ज्ञात हो गया। इसके पश्चात वे अपने व्यवहार में अधिक सावधान हो गए। श्री आम्बेडकर। पुणे के श्री गोपाल नारायण आम्बेडकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और जवाहर स्टेट के आबकारी विभाग में 10 वर्षों से कार्य करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढी, परंतु वे सफल न हुए। तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने 7 वर्ष व्यतीत किए। वे प्रतिवर्ष शिरडी जाते और अपनी दुखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे। सन 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो गई। तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी। इसीलिए वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आए और वहां 2 मास तक ठहरे। एक रात्रि को दीक्षित वाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे बैठे उन्होंने कुएं में गिरकर प्राणांत करने का और साथ साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया। वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री सगुण मेरु नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है। सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे जो इस प्रकार थी। श्री अक्कलकोट महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था। जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सहन ना कर सका तो वह बिल्कुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा। तक्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं उसे बाहर निकाला। वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए। यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। यह सामायिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आम्बेडकर को महान आश्चर्य हुआ और वे द्रवित हो गए। यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी उनका प्राणांत ही हो गया होता। बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गए। उनके पिता श्री अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण कराने की थी। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शांति पूर्वक व्यतीत किया। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 26 संपूर्ण। ओम श्री साईनाथाय नमः।